गाइस कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं अलीगढ़ ब्लॉग्स। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। तो गाइस जैसे कि आपने मेरे पीछे देख लिया होगा कि हम EMU में एंटर हो ही चुके हैं और आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी हमारे चैनल पे EMU की, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा या ये नहीं देखी होगी, आपने गेम्स कमेटी की कोई वीडियो नहीं देखी होगी या हमने बनाई भी नहीं है। तो आज हम आपको गेम्स कमेटी की वीडियो दिखाएंगे। गेम्स कमेटी अलग से पूरा एक गेमिंग के लिए है, आउटडोर गेमिंग के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया है, वो पूरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास ब्लॉगर भाई है, ब्लॉगर भाई को कहना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स हाय, और हम लोग चल रहे हैं EMU गेम्स कमेटी, वहाँ पर आपको स्केटिंग क्लब, फुटबॉल ग्राउंड और आपका बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सारा कुछ दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहले बार चलो भाई को अपने दोस्तों का शेयर करिए। तो हम आपका सारा टाइम ना लेते हुए सीधे आपको गेम्स कमेटी में चल कर मुलाकात करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है EMU का जेट प्लेन और अभी टाइम हो रहा है 7:45 हो रहे हैं। तो देखते हैं अभी कि गेम्स कमेटी में कोई है कि नहीं है। और ये वो है एथलेटिक ग्राउंड, और ये एथलेटिक ग्राउंड है और इसमें समर कैंप भी स्टार्ट हो चुका है शायद से। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं EMU में MBA डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल फेस्ट चल रहा है, तो उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं ये सामने है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और EMU जैसा कि आपको पता है कि खुल चुका है। तो यहाँ देखिए कितनी चहल पहल है, देख सकते हैं। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं गेम्स कमेटी, मतलब यहाँ से 200 मीटर होगा बस। और आपको सामने दिखाते हैं हम आपको, आप ये देखिए ये है आपका कैनेडी हॉल, ये देखिए ये पूरा कैनेडी हॉल है। और लेफ्ट हैंड पे ये देखिए लाइब्रेरी कैंटीन, जूस उसका कॉर्नर है। और सामने अगर आप जाएंगे तो सुलेमान हॉल है। और ये देखिए फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं गेम्स कमेटी, यहाँ से गेम्स कमेटी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये है आपका फुटबॉल ग्राउंड, देख फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है सुलेमान हॉल। चलो अभी रुका मैं। तो फ्रेंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं गेम्स कमेटी और आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये स्केटिंग क्लब है और ये पीछे आपका फुटबॉल ग्राउंड है। तो और स्केटिंग क्लब के बराबर में आप देख सकते हैं ये EMU जिम है। तो चलिए हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं बैक कैमरे से। फ्रेंड्स हमने आपको स्केटिंग क्लब और EMU जिम दिखा दिया है और हमारे ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे EMU हॉकी ग्राउंड है। तो चलिए EMU हॉकी ग्राउंड का कुछ व्यू दिखाते हैं हम आपको, फिर उसके बाद बास्केटबॉल ग्राउंड जाएंगे और फुटबॉल ग्राउंड और वहाँ का व्यू दिखाएंगे हम आपको। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पर हॉकी ग्राउंड EMU का, देख सकते हैं कितना बड़ा है, बस दूर दूर तक आपको कितना बड़ा है कि छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे।
देख सकते हैं ये एएमयू का स्विमिंग पूल है, बट इसका कुछ टाइमिंग है मेरे ख्याल से सुबह में 6 से 8 खुलता है और शाम में 4 से 6, लेकिन अभी फिलहाल बंद हो चुका है, तो किसी और दिन हम आपको दिखाएंगे इसका अंदर का व्यू। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे सामने ये है यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी का ऑफिस और इसी में बैडमिंटन हॉल है, तो ये सब फिलहाल अभी बंद है क्योंकि 7 बज रहे हैं। और आपको जो भी फुटबॉल के जो भी कुछ फॉर्म वॉर्म निकलते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं आसानी से, या फिर ऑनलाइन भी मिल सकते हैं आपको। और जैसा कि आजकल आपको पता है समर वेकेशन चल रही है, तो कैंप लगा है फुटबॉल वालों का, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये टेनिस का कोर्ट है, यहाँ पर टेनिस हार्ड कोर्ट, ये भी अभी बंद है, बंद हो गया, हम लोग लेट हो गए। चलिए देख सकते हैं इसका कुछ व्यू। तो फ्रेंड फाइनली हम एएमयू के फुटबॉल ग्राउंड आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मतलब जब हम लोग आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, अब थोड़ा सन्नाटा हो गया, मतलब ज़्यादा रात हो गई है तो कुछ कम लोग हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं बास्केटबॉल का ग्राउंड है, पीछे बास्केटबॉल का कोर्ट है पूरा यहाँ पे। तो चलिए हम दोनों हॉकी ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पीछे आपने देख लिया होगा बास्केटबॉल का कोर्ट है यहाँ पे, और हॉकी ग्राउंड भी आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन रात हो गई है तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, जो भी कुछ है आपके सामने। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कभी यहाँ पर दिन में आके मतलब फ़ौरन असर बाद आ जाएंगे, मतलब 4:30-5 बजे करीब, और अभी 7:15 हो रहा है तो अंधेरा भी काफ़ी हो गया है और लोग भी कम है यहाँ पे, मतलब सब लोग जा चुके हैं खेल के। तो चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और स्केटिंग क्लब की वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो आप लाइक करिएगा, और चलिए और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एएमयू एमबी डिपार्टमेंट में जो फेस्ट चल रहा है कॉलेज फेस्ट उसकी आएगी। तो चलिए जब तक के लिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केटिंग क्लब में यहाँ रोलर हॉकी चल रही है, और हम लोग अभी जा ही रहे थे तो ये अभी स्टार्ट हुआ था, हम लोग थोड़ा रुक गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ छोटे छोटे बच्चे स्केट्स कर रहे थे, अब यहाँ रोलर हॉकी स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसे भी हम दिखाई देते हैं आपको बैक कैमरे से। गोल होने नहीं देगा ये। सर पे ना मार दे ऐसे कहीं। हेलमेट लेफ्ट वन का